Hello and welcome to our YouTube channel, Rubal Solutions. Students, in this video, we will going to check whether a number is prime or not. But usse pehle mujhe ye batao ki kya aapko pata hai prime number kya hote hain? Prime number wo number hote hain jo ya to khud se divide hote hain ya 1 se divide hote hain. Theek hai? Ye baat note kar lo. A prime number is a natural number greater than 1 that cannot be formed by multiplying two smaller natural numbers. A natural number greater than 1 that is not prime is called composite number. Number that is divisible only by itself and 1 are called prime number. Aap ye ek pehle is program explain karun, usse pehle aap ye dekhiye kaun kaun se prime number hote hain. Dekho 1 ko kya bolte hain, composite number, kyunki ye sabko divide karta hai. ठीक है, 2 है प्राइम नंबर, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 and 97. ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स का मतलब इनको हम किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, या तो ये खुद से डिवाइड होंगे या 1 से होंगे. देखा आपने? चलो प्रोग्राम बनाते हैं. ठीक है, इसको हम रख लेते हैं साइड पे स्निपिंग टूल की हेल्प से. ओके, नाउ इसको मिनिमाइज कर देते हैं, इसको यहाँ साइड पर रख देते हैं ताकि हमें पता चलता रहेगा. ठीक है, कि प्राइम नंबर का प्रोग्राम है ये. प्राइम नंबर्स. ठीक है, चलो प्रोग्राम बनाएं. अब प्रोग्राम कैसे बनता है? हैश इंक्लूड स्टडियो डॉट एच इंट मेन, फिर हमने तीन वेरिएबल्स लिए एन आई एंड फ्लैग इंट टाइप के. कौन से टाइप के? इंट टाइप के. फिर प्रिंट एफ करवाया यूजर से कि नंबर एंटर करवाया जिसको हम चेक करेंगे क्या वो प्राइम है या नहीं है. उसके बाद हमने स्कैन एफ कराया और वैल्यू डलवाई एन में. उसके बाद हमने फॉर लूप लगाई जो शुरू हुई 2 से. अब आप बोलोगे 2 से क्यों शुरू हुई? क्योंकि 1 तो कॉम्पोजिट नंबर है. क्या है? और प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 2 से. ठीक है, 2 से डिवाइड किया और लूप कहाँ तक चली? एन बाय 2. जैसे अगर हमने 10 डाला, एन क्या डाला? 10, तो कहाँ तक लूप चलेगी? 10 बाय 2, 5 तक. ठीक है, अब क्या है कंडीशन फॉर नॉन प्राइम? इफ एन मल्टीप्लाई बाय आई इक्वल टू 0. अगर जो नंबर है वो आई से डिवाइड होता है तो सीधी सी बात है वो नॉन प्राइम है. और उसके लिए हमने क्या किया? कंडीशन लगा दी और एक फ्लैग वेरिएबल बना दिया जिसको 1 कर दिया और ब्रेक कर दिया. अब ब्रेक करने से सबको पता है क्या होगा? ब्रेक करने से क्या होगा? वो इस लूप से और इस लूप से बाहर आ जाएगा. अगर देखो, और अगर n 1 है तो वो कह देगा नॉट प्राइम, अगर वो 1 नहीं है तो वो फिर चेक करेगा, वो फिर चेक करेगा फ्लैग को. अगर फ्लैग 0 है तो वो प्राइम है, अगर फ्लैग 1 है तो वो नॉन प्राइम है. देखा इसमें स्टूडेंट्स, एक फॉर लूप लगी है, फॉर लूप के अंदर इफ लूप लगी है, फिर इफ एल्स के अंदर, इफ के अंदर एक कंडीशन है, फिर एल्स के अंदर इफ एल्स है. मतलब ये प्रोग्राम थोड़ा समझने वाला है, लेकिन अगर आपको प्राइम नंबर का लॉजिक पता है ना कि प्राइम नंबर क्या है, कि जो खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, तो आप आराम से बना लोगे. ठीक है, और हमने कंडीशन क्यों लगाई है n mod i इक्वल टू 0? क्यों? क्योंकि अगर वो i से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब कि वो किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है ना. ठीक है, क्योंकि हमने आई की रेंज क्या रखी है? हाफ द नंबर, इसलिए. ठीक है, अब हम एक बार चला के देखते हैं. एक एरर आई है, एरर वो क्या कह रहा है? अच्छा, मैंने इसमें वो गलत डाल दिया, कमेंट्स गलत डाल दिए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता. ठीक है, वो कह रहा है कि रन करना है. हाँ, अब मैं डालती हूँ 10. क्या डाल रही हूँ? 10. अब वो क्या कहा उसने? 10 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर.
वो तो हमें भी पता ही है। अब हम डालते हैं कोई प्राइम नंबर डालते हैं जैसे 47, क्या डालते हैं 47, उसने कहा 47 इज़ अ प्राइम नंबर। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये थोड़ा सा चेंज है ये प्रोग्राम, इसमें थोड़ी सी चीज़ें और एक्सटेंड हुई हैं, अगर आपको कुछ भी डाउट हो ना, अगर आपको लगे कि मैम ये चीज़ थोड़ा दिक्कत कर रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ ताकि मैं उसका आंसर दे पाऊँ, क्योंकि मेरे हिसाब से काफ़ी सिंपल प्रोग्राम हो जाता है। बट हाँ, मुझे पता है इसमें काफ़ी सारी लूप्स हैं, काफ़ी सारे इफ फ्लैग्स हैं, फ्लैग भी लगाया है हमने। और फ्लैग क्या है, फ्लैग और कुछ भी नहीं है, एक वेरिएबल है। फ्लैग की जगह आप कोई और नाम भी दे सकते हो, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। और प्रोग्रामिंग का जो एक लॉजिक है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा डेटा जाएगा, जहाँ से डेटा देना है वो राइट हैंड साइड पे रहेगा, वो सब तो मैं सारी वीडियोस में कंटिन्यूसली बताती जा रही हूँ। और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का ध्यान रखना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, अगर आपने इंट लिया है तो परसेंटेज डी, फ्लोट लिया है तो परसेंटेज एफ, लॉन्ग लिया है, डबल लिया है, उस हिसाब से फॉर्मेट स्पेसिफायर की भी एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख लेना, आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर समझ आ जाएंगे, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो स्टूडेंट्स, प्लीज़ बी फ्रैंक एंड आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। आई एम ग्लैड यू आर व्यूइंग, यू आर टेकिंग बेनिफिट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, लव लव।